हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रुदा सिंह बशर। तो गाइस, कर्ज मूवी में सनी देओल के बेस्ट एक्शन सीन लेकर आए। कर्ज हां, देखते हैं बिना किसी देरी के, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। सनी देओल का अपना स्टाइल है, देखो कहा चाहिए साहब, सिगरेट या पान? जान चाहिए जान। जान तुम्हारे नायक माधव सिंह के। माधव सिंह के? माधव सिंह के मारो चूहा। सारे देश रे ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? क्यों, दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या बोला तूने? अच्छा, सुनाई देना भी बंद हो गया? अबे अंधे भैरे, अब तू मर गया? डर गया? मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डरूं किससे? देखता हूं इन्हें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है, और कानों का ये प्रॉब्लम है कि सुनते सुनते ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए कान का मशीन कब लगाना है और ये चश्मा कब लगाना है, कैसे लगाना है, टाइमिंग की तरह गड़बड़े। आप तो सिंह मौत तेरे सर पे नहीं पापा, इनके सामने खड़ी है। सूट बूट पहनकर दादागिरी करने आए हो साहब? ये तो गेंडा सामने है ना। यार इनकी पर्सनालिटी चलो। अब ठीक है माधव सिंह? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो। तेरी शायरी की तो वो लोग पीछे कैसे कैसे भाग रहे हैं? तेरे कपड़े मेरे पास है। वो निकल रहा है, गाड़ी में जा रहा है। वो बॉय साहब, मैं सबसे बोरी उठा रहा हूँ। बंदा बना रहा है ये रेडी। अरे आप क्यों सरवा रहे हो लाइक दिस? है? बस बैंड बजा दी भाई। सीन लगता है बीच में थोड़ा काट है। हाँ भाई, कहाँ गए थे तुम? मैं माधव को समझाने गया था बाबू जी। समझाने गए थे और करके क्या आए हो? वो समझने को तैयार नहीं तो मैं क्या करता बाबू जी? अरे भैया, सूरज ने थोड़ी पहले हाथ उठाया, पहले उसने कुछ किया तभी तो सूरज ने उस पे। तुम लोगों के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। क्यों, तू प्यार नहीं करता? तू तो सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है, इसीलिए तो फिक्र रहती है। दोबारा कभी उनके मुंह मत लगना, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है मत भाई। भगवान न करे तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बाबूजी का क्या होता? सूरज मतलब उस बलवंत सिंह का बेटा। अरे क्या है, चुप। सब कुछ है बहुत गंदा। उसने हिम्मत भाई की हिम्मत को ललकारा है। अच्छा, हिम्मत मैं उसके हाथ पर तोड़वा कर मॉल रोड के चौराहे पर फेंकवा दूंगा। सूरज भी अमीर है सही। हाँ भाई, मूवीज कितनी प्यारी होती थी यार भाई। स्टोरी अच्छी होती थी यार उनकी, स्टोरी अच्छी होती थी। आजकल की भी अच्छी आ रही है स्टोरी, लेकिन एक आर मूवी की चिल्पा सेठी यार, ये उस टाइम बड़ी भाई फेमस थी यार। सूरज को पसंद आ रही
जी वो मैं। देखा मेरी बेटी कितना अच्छा पियानो बजाती है। अरे ऐसे क्या दिख रहा है, पहचाना इसे? सपना पहचान। और तुम सूरज? अरे वाह ये अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ। तुम दोनों को किसी ने एक दूसरे से नहीं मिलवाया, फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को कैसे पहचान लिया? हाँ बुआ, बाबूजी ने कल ही तो बताया था कि उनके बचपन के दोस्त चीमांकल आ रहे हैं, तो उनकी बेटी सपना ही होगी। लेकिन बेटी जी, तुमने इसे कैसे पहचाना? दादी अक्सर इनकी बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दोस्त के घर में भी एक शायर है। शायर वायर तो नहीं, हाँ कुछ टूटा फूटा कभी कभी लिख लेता हूँ। ओ सूरज पुत्र, सूरज सूरज सूरज, काका की हाल है? जीता रहे जीता रहे। जब पिपाला ठंड पे आ गई यार, पर आप लोग मुझे ऐसी यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मेहमान घर पर भी आ गए और ये जनाब स्टेशन पर ही बैठे हुए। अरे मुझे क्या पता था कि भटिंडा से आने वाली लड़की इतनी मॉडर्न होगी। अरे एक सीधी साधी लड़की सलवार कमीज पहने गाड़ी से उतरी, यहाँ वहाँ देख रही थी, मैं पहुँच गया, मेरे का सपना, और मेरी बदनसीबी देखिए उसका भी नाम सपना। सपना नहीं रचना, रचना नाम था जिसे आप सपना समझ रहे थे। ठीक है जो भी है, मैंने सपना समझा ना। मैंने पूछा पिताजी कहाँ है? जी वो चल बसे। मैंने कहा गाड़ी में? उन्होंने जी गाँव में। मैं तो वहीं बैठ गया शौक बनाने। इतने में सब लोग आ गए और चीमा साहब इतने करीब आ गए। अब आप सोचिए जो आदमी जिसका शौक बना रहा हो सामने खड़ा हो तो कितना शौक लगे। यार जल्दी खत्म कर। तो यार वीडियो खत्म भाई, मस्त मूवी यार। मतलब यार सनी देओल की शुरू पे जॉनी लीवर फड़ा चौड़ा हो गया। मैं समझे कोई लड़ाई करेगा, समझो को उसको देखना बंद हो गया। देखना बंद हो गया ग्लासेस और मशीन लगाई। हां तब डर लगा, असल डर उसने लगा। और वो गेंडा स्वामी को सही धोया, उनकी वो पूरी बॉडी पे प्लास्टर लगा। और फिर वो उसके बाद वो किए कहते चुप करो, हिम्मत के भाई को मार रहा है। मतलब यार मस्त था यार, सच यार उसके मूवीज बड़ी मस्त होती थी। देखो इस तरह कोई अंकल की बेटी होती थी, कोई किसकी बेटी होती थी, मतलब स्टोरी बहुत प्यारी होती थी यार। मैं सच बताऊं स्टोरी बहुत प्यारी होती थी, पर बहुत प्यारी स्टोरी होती थी। स्टोरी बहुत प्यारी और अब भी अच्छी होती है, लेकिन यार वो टाइम नहीं। अब भी जिस तरह एनिमल, पठान, जवान, जिस तरह मूवीज आ रही है, इस तरह और साउथ की मूवीज देख लो, वो आ रही है, उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। आपका क्या इसका कहना है? इसके और सीन चाहिए बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।